हाय गाइस, अगर आपके पास इसी तरह के एक माइक्रो एटीएम है और इस पर जो है पीईडी टेम्परेट आ रहा है, तो इसी सिचुएशन पर आपको क्या करना है, इसको कैसे अनलॉक करना है, और इसको अगर नहीं अनलॉक करा है तो इसको आपको क्या करना है, इसका सलूशन क्या है, आज की इस वीडियो पर मैं आप लोग को पूरा डिटेल्स बोलूँगा। सो गाइस, अगर आपको ये डिटेल्स जानना है तो आपको जो ये वीडियो पूरा देखना है। वीडियो अंत होते आपको आपका जो प्रॉब्लम है उसी का सलूशन मिल जाएगा। सो गाइस, वीडियो को उड़ाओ, स्किप किए पूरा देखे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, ये डिवाइस जो है यहाँ पर पीईडी टेम्परेट बोल रहा है और यहाँ पर इसका सीरियल नंबर और ये एक पासवर्ड मांग रहा है। सो गाइस, चलिए सबसे पहले हम पासवर्ड डाल के देखते हैं कि ये डिवाइस अनलॉक होता है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर के हिस्से में आपको एक लॉक दिखेगा, आपको सिंपली इस पर टैप करना है। तो जैसे ही आप इस पर टैप करोगे तो ये डिवाइस जो है सक्सेसफुली ऑन हो जाएगा। और इसके बाद आपको जो है एक पासवर्ड डालना है, तो इसका पासवर्ड है 9876 और इसको जो है आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पर देखिए ये जो है। सो गाइस, पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर नो प्रोग्राम आ रहा है। तो नो प्रोग्राम का मतलब है इसका जो डाटा है, जो ड्राइवर है, वो सब डिलीट हो गया है। गाइस, जो डाटा होता है यहाँ पर, जो सिस्टम में जो डाटा डाला जाता है, वो सब डिलीट होने के बाद यहाँ पर जो है नो प्रोग्राम आता है। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसका मेनू खोलता हूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं लोकल डाउनलोड करूँगा तो यहाँ पर जो ये एरर आएगा, और अगर मैं यहाँ पर पेड डाउनलोड करने जाऊँगा वो भी एरर आएगा। तो गाइस, देख सकते हो इसका जो डाटा है वो सब डिलीट हो गया है। तो इसी सिचुएशन पर आपको क्या करना है गाइस, इसका जो यहाँ पर एक एड्रेस दिया रहता होता है, सो जैसे आप जिस कंपनी से आपने इसको परचेज़ किया है, आप उस कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर हो या रिटेलर हो, जो भी हो, उनसे आप कांटेक्ट करें और उसी से जो है आप उसको सौंप दें। और जैसे आप उसको सौंपोगे तो वो क्या करेगा, उसको जो है ये इसी कंपनी में भेजेगा और इसी कंपनी से फिर से जो ये रिपेयर होके आपके पास आएगा। और आपको जो ये अगर ये ख़राब हो जाता है एकदम से, तो आपको जो एक नया डिवाइस मिल जाता है। तो इसका जो सोल्यूशन है वही है, अदरवाइज़ इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और अगर आपका जो माइक्रो एटीएम है वो अगर पेड टेम्परेट हो जाता है, तो इसको जो है आप किसी भी मतलब ठीक नहीं कर पाओगे। आपको जो इसको कंपनी में भेजना पड़ेगा, इसका जो डाटा है वो सब डिलीट होने के बाद ही आपकी मशीन पर जो है ये पेड टेम्परेट का एरर आता है। सो गाइस, इस यही है आप एक सोल्यूशन, और इसका कोई दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आपके पास और भी कोई सोल्यूशन होता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइस, आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल A to Z Solution को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। तो नेक्स्ट मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।